तो क्या योगी बनेंगे आजम के लिए देवदूत? अखिलेश से दूरी, खत्म होगी आजम की मजबूरी। आजम खान क्या जल्द आ जाएंगे जेल से बाहर वापस? तो क्या अब आजम खान की बदकिस्मती खुशकिस्मती में तब्दील होने वाली है? और क्या योगी ने आजम को जेल से बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर ली है? आपको शायद भरोसा ना हो, लेकिन इस 4 मिनट के वीडियो में आपको वो सबूत दिखा देंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ऐसा होने जा रहा है। और कैसे आजम खान के लिए बीजेपी ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, बताएंगे आपको पूरी की पूरी दास्तान। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इतना जान लीजिए कि इतिहास गवाह रहा है, सियासत में किसी को जेल में रखना और फिर जेल से निकलवाना ये इतना आसान नहीं, लेकिन मुश्किल भी आसान हो जाती है बस कुछ शर्तों के साथ, जिसका फायदा बस पार्टी को मिलना चाहिए। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल कौन रहा होगा कि क्या योगी आजम को पापों से मुक्ति दिलवाना चाहते हैं? लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ ऐसा क्यों किया? जिंदगी भर वोट दिलाए और जेल से मुक्ति दिलवाने का वक्त आया तो चुप्पी साध ली, और अब इसी को लेकर बीजेपी फायदा लपकने जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि आजम के लिए पटकथा लिखी जा चुकी है और कोई बीजेपी का एक बड़ा नेता इस पूरी पटकथा को लिख चुका है, और आजम खान की रिहाई की खबर भी आपको जल्द मिल सकती है। और खबर ये है कि शर्त आजम से बस इतनी है कि वो सपा से नाता तोड़ लें। तो क्या अब ये पटकथा योगी आदित्यनाथ ने खुद लिखी है? समझिए, सपा के हालात बीएसपी के जैसे हो जाएंगे। बीजेपी का प्लान तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। आजम खान अगर सपा से अलग हो जाते हैं तो वापसी के रास्ते पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर जाएंगे। सपा से आजम का मोह भंग हो चुका है, इसके कई संकेत मिल रहे हैं। ऐसे ही बीजेपी ने दलित वोटरों को अपना बनाया था, अब मुसलमान वोटरों की बारी है। बीजेपी का प्लान बी तैयार है। अब सवाल ये कि आखिरकार कैसे? तो समझिए, आजम अगर अलग पार्टी बना लेते हैं तो मुसलमान वोट बढ़ जाएगा, आजम सपा को छोड़ेंगे तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा और बीजेपी आजम को जेल से छुड़वा देगी। बीजेपी की शर्त यह है कि अखिलेश के खिलाफ आजम को खड़ा करना है, नया विकल्प मुसलमानों के लिए तैयार करना है। आजम की अखिलेश से नाराजगी जग जाहिर है, 1 साल से ये नाराजगी परवान चढ़ रही है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी मुसलमानों को लेकर कुछ बड़ा प्लान तैयार कर चुकी है? दरअसल बीजेपी के पास अब राम मंदिर का मुद्दा नहीं बचा। ऐसे में मुसलमानों को साथ रहकर बीजेपी जीतने का प्लान तैयार कर रही है। मुसलमान वोट ना दें तो भी बीजेपी जीतने का दम रखती है, लेकिन ये बीजेपी की एक ट्रिक है, वो अपनी जीत के साथ साथ दूसरों को हराने में भी दिलचस्पी रखती है। सपा के हालात भी कुछ सालों में बीएसपी की तरह होने जा रहे हैं। लोग तो ये तक कहते थे कि बीएसपी का कोर वोटर यानी दलित वोटर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन 2022 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में कुछ ऐसा नहीं हुआ। बीएसपी का वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे बीजेपी को बम्पर जीत मिली। सपा की ताकत शिवपाल और आजम खान के साथ ही MY फैक्टर है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों को साधने की पूरी तैयारी बीजेपी कर चुकी है। अब सवाल ये कि आजम खान जैसे मुस्लिम चेहरे अगर चुनाव में बीजेपी के खिलाफ भी खड़े होते हैं तो इससे बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। वैसे भी शिवपाल पर डोरे किसी से छिपे नहीं हैं। और हाँ, बीजेपी का ट्रेलर आप MLC चुनाव में देख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।